मॉर्निंग क्लास सेकेंड, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. स्टूडेंट्स, अब तक हमने जीके के 4 चैप्टर स्टडी किए हैं. तो अब हम आज कौन सा चैप्टर स्टडी करेंगे? फिफ्थ चैप्टर क्या है? होम्स ऑफ एनिमल, एनिमल्स के हाउस, एनिमल्स के घर, जहाँ एनिमल रहते हैं. हम उन एनिमल्स के हाउस को क्या बोलते हैं? आप भी तो हाउस में रहते हो ना, तो हम अपने घर को क्या बोलते हैं? होम बोलते हैं, हाउस बोलते हैं, बोलते हैं ना. उसी तरह एनिमल्स भी अपने अपने घरों में रहते हैं और उनके घरों के अलग अलग नेम होते हैं. तो आज हम उन नेम के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे. ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स अपनी जीके की बुक्स खोल लीजिए, उसमें पेज नंबर 9 चैप्टर 5 होम्स ऑफ एनिमल्स. देखिए इसमें क्या दिया हुआ है. सबसे पहले एनिमल्स लिव इन डिफरेंट होम्स, जो जानवर होते हैं वो डिफरेंट हाउस में रहते हैं. लुक एट द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, हमें इन पिक्चर एनिमल्स की पिक्चर्स को देखना है. एंड मैच विद देयर होम्स, और उनके होम से उनको मैच करना है. आल्सो टिक ऑन द राइट ऑप्शन ऑफ द एनिमल्स नेम, और जो एनिमल का नेम है उन पर राइट ऑप्शन उनका लगाना है. तो देखिए आप, सबसे पहले हमें ये क्या दिख रहा है? हॉर्स. ये क्या है नंबर 1 पर? हॉर्स. और आपको पता है ना हॉर्स के हाउस को क्या बोलते हैं? स्टेबल. हॉर्स कहाँ रहते हैं? स्टेबल में. स्टेबल की स्पेलिंग क्या है? STABLE, स्टेबल. स्टेबल को आपको पता है हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्तबल. क्या बोलते हैं? अस्तबल. जो हॉर्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? स्टेबल में रहते हैं. सेकंड नंबर पर देखिए, ये क्या है? काऊ. तो हमने काऊ के नीचे टिक लगा दिया. काऊ कहाँ रहती है? शेड में. काऊ कहाँ रहती है? शेड में. आपको पता है ना काऊ रहती है कहाँ? रहती है काऊ शेड. काऊ से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है. मिल्क का कलर क्या होता है? वाइट होता है. आप मिल्क पीते हो ना, मिल्क पीने से हमें एनर्जी आती है. ठीक है बच्चों, थर्ड नंबर पर देखो, ये क्या है? आंट है या स्पाइडर है? स्पाइडर है. आप सबने देखा होगा ना आप सबके घर पे स्पाइडर. तो स्पाइडर कहाँ रहती है? वेब में. स्पाइडर कहाँ रहती है? वेब में. वेब में जाला बनाती है ना स्पाइडर. आपने देखा होगा आपके घरों की दीवारों पर जब स्पाइडर जाला बना देती है, मम्मी साफ करती है उनको. तो स्पाइडर कहाँ रहती है? वेब में. नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर पर, ये क्या है? लॉइन. लॉइन है ना ये, तो हमने लॉइन पे टिक किया. लॉइन कहाँ रहते हैं? डैन में रहते हैं. कहाँ रहते हैं लॉइन? डैन में. डैन की स्पेलिंग क्या है? DEN, डैन. नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? स्पैरो. बी तो नहीं है. बी क्या होती है? मक्खी होती है, मधुमक्खी होती है. वो बी है ये? नहीं. ये क्या है? स्पैरो चिड़िया. स्पैरो है ना ये, हमने स्पैरो पे टिक लगाया. अब आपको पता है ना स्पैरो कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? नेस्ट. वो अपने हाउस घोंसले बनाती है, पेड़ों पर बनाती है ना. कई बार हमारे घर के ऊपर भी बना लेती हैं, कहीं छोटे छोटे से जगह रहती है, जंगले रहते हैं, विंडो रहती हैं, विंडो में भी वो अपना नेस्ट बना लेती हैं. फिर वहाँ पर अंडे देती हैं. देती हैं ना, आपने देखा होगा. तो ये क्या है? स्पैरो. स्पैरो कहाँ मिलती हैं? कहाँ रहती हैं? नेस्ट में. नेस्ट की स्पेलिंग क्या है? NEST, नेस्ट. आगे देखिए, सिक्स नंबर. देखिए सिक्स नंबर पर ये क्या है? रैबिट है. तो रैबिट कहाँ रहता है? ब्यूरो में. ब्यूरो में रहता है ना रैबिट. ब्यूरो आप जानते हो ना, छोटे छोटे से बिल बनाकर उनके अंदर रैबिट रहता है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ब्यूरो की स्पेलिंग क्या है? BURROW, ब्यूरो. नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? हनी बी. बर्ड तो नहीं है ये. ये क्या है? हनी बी. तो हमने हनी बी पे टैग लगाया. हनी बी कहाँ रहती है? हाइव में. आपने देखा होगा ना, जो हनी बी होती हैं वो अपने छत्ते बना लेती हैं गुच्छों के रूप में, फिर उनमें बहुत सारा शहद निकलता है, हनी निकलता है. निकलता है ना हनी. तो हनी भी कहाँ रहती हैं? हाइव में. हाइव की स्पेलिंग क्या है? HIVE, हाइव. हनी भी कहाँ रहती हैं? हाइव में. एट नंबर पर देखिए, ये क्या है? डॉग है. डॉग कहाँ रहता है? कैनल में. आपने देखा होगा डॉग तो बहुत सारे होते हैं. जो कोई भी अपने घर पे एक पैट के रूप में डॉग को रखता है, तो वो उनके लिए छोटे छोटे से डॉग हाउस बनाते हैं ना. तो उन डॉग हाउस को क्या बोलते हैं? कैनल. क्या बोलते हैं? कैनल. कैनल की स्पेलिंग क्या होती है? KENNEL, कैनल. क्लियर स्टूडेंट्स? आगे देखिए, आगे ये क्या है? ये आउल है या हैन है? हैन. हैन आपने देखी होगी ना. हैन. हैन कहाँ रहती है? कूप में. कूप की स्पेलिंग क्या होती है? COOP, कूप. हैन कहाँ रहती है? कूप में. चलो हम एक बार फिर से रीड कर लेते हैं.
देखो सबसे नंबर वन पे दिया हुआ है हॉर्स। हॉर्स कहाँ रहते हैं? स्टेबल में। काऊ कहाँ रहती है? शेड में। थर्ड नंबर पर है आंट। आंट कहाँ रहती है? नहीं, स्पाइडर। स्पाइडर कहाँ रहती है? वेब में। लॉइन, डेन में। स्पैरो, नेस्ट में। सिक्स नंबर पर है रैबिट। रैबिट कहाँ रहते हैं? ब्यूरो में। हनी बी, हाइव में। डॉग, कैनल में। एंड हैन, कूप में। देखो आपको अपनी कॉपी में ये वर्क नीट एंड क्लीन करना है। आपने अपने फोर्थ चैप्टर भी अपनी नोटबुक में कर लिए होंगे। हम कभी भी आपको अपनी नोटबुक लेकर स्कूल में बुला सकते हैं, तब हम देख लेंगे कि आपने कितना वर्क किया। इसलिए अपना वर्क को नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में कर लेना। आप ऊपर हेडिंग डालना पहले होम्स ऑफ एनिमल, फिर नीचे एक तरफ लिखना एनिमल, एक तरफ लिखना एनिमल होम्स ऑफ एनिमल। तो एनिमल में एनिमल का नाम जैसे हॉर्स, और होम्स ऑफ एनिमल में स्टेबल। अंडरस्टैंड? क्लियर स्टूडेंट? तो अपना ये वर्क नीट एंड क्लीन आपको अपनी नोटबुक में करना है। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे होम एंड स्टे सेफ।